लास्ट वीडियो लॉकडाउन 3.0 पार्ट वन का रिस्पांस वाज़ अमेजिंग सो यस, दिस इज पार्ट टू जहाँ पे हम इसको और डेप्थ में जानेंगे सीखेंगे लॉकडाउन 3.0। पॉइंट जीरो नाम है

अब अगर आपको कहीं पे स्पेसिफिकली पॉइंट्स चाहिए जैसे मुझे आंखों पे कुछ पॉइंट्स चाहिए तो, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल एंड ऑल्ट एंड क्लिक करूँगा ऐसे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पॉइंट्स आ जाएगा तो बेसिकली ये पॉइंट्स क्या करेगा आपको हेल्प करेगा और ज्यादा एक्यूरेट ट्रैक को ग्रैप करने के लिए एंड आफ्टर दैट हम क्लिक करेंगे ऑटो ट्रा को तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे

है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज को मेंशन जरूर करना चाहता दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड लॉकडाउन थैंक यू वेरी मच अब हम आगे बढ़ते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली लेआउट अगर आपको यहाँ पे कोई भी करक्शन दिखता है ना आप हो लाइक होल्स हो गया स्टेबिला right अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये लीव आउट के ऊपर स्टेबिलाई ट्रैक है यू कम्लीटली है इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस तो फर्स्ट ऑफ ऑल वापस आ जाओ एंड क्लिक करो थ्री डी पे थ्री तो डी पे आ गया अब इसके बाद वॉट नेक्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेंजेस करना पड़ेगा

अब ये टू के ऊपर थ्री जो हमारा जो नॉर्मल डेप्थ मैप हम जनरेट करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये जो है क्रिएट हो रहा है एंड आप इसके ऊपर कुछ भी चीजें रखो थ्री पे ये लगेगा लिटरली सीन के साथ अटैचड है अभी हम वापस से आएंगे कैमरा व्यू पे तो रिसेट व्यू टू दिस कैमरा यहाँ पे आ गया अब मुझे यहाँ पे कुछ कंट्रोलर्स चाहिए जहां मुझे exactly चीजें को इम्प्लीमेंट करना है जैसे मुझे आंखों पे कंट्रोलर्स चाहिए तो मैं थोड़ा जूम करूंगा और यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट करूंगा एवरी पॉइंट एंड आफ्टर दैट यहाँ पे हम क्रिएट करने वाले क्रिएटेड ट्रांसफॉर्म जैसे हम क्लिक करेंगे बेसिकली यहाँ पे एक नल ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट

PNG पे उसके बाद आता है एलंबिक अगर आप चाहते हो इसको एलंबिक फॉर्मेट पे एक्सपोर्ट करने के लिए किसी और प्लेटफॉर्म के लिए वो भी आप कर सकते हो बट अगेन आफ्टर फ्लिक्स एंड 4D का एक मस्त कोलाब्रेशन होता है तो हम सिनेमा 4D ही यूज करेंगे आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो तो सीधा हम एक्सपोर्ट थ्रू 4D पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हम अपना जो है इसका फाइल नेम डाल देंगे जैसे हम यहाँ पे एन एम टू एंड प्रेस यहाँ पे एंटर या फिर सेव अब इसके बाद ये लोड लेगा उसको पी एनजी पे एक्सपोर्ट करेगा ताकि वो सिनेमा फोडी में इजिली सपोर्ट कर जाए तो यहाँ आ गया हमारा एन एम टू का एक Cinema 4D करो तो यह ऑटोमेटिकली सिनेमा फोर्डी को ओपन करेगा सारे के सारे सेटअप खुद से बन चुका है आपको अलग से करने की कोई भी जरूरत नहीं है तो ये देख सकते हो सिनेमा फोडी में सारे की सारी चीजें ऐसे आ चुका है विथ थ्री डी डेथ अब बेसिकली आपको इसको ओपन करना है कैमरे पे जाना है व्यू पे तो आप देख सकते हो कुछ ऐसा है जो भी करोगे व्यूज से बाहर आके करो भाई बेटर है तो ये प्रोजेक्शन हो रहा है बेसिकली तो अगर मैं चाहता हूँ कि इसके आईज वाला ऑप्शन पे कुछ चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए उसके लिए मुझे चलना पड़ेगा मेश अटैचमेंट यहाँ पे मिलेगा वही नल ऑब्जेक्ट जिसको मुझे एड करना है तो ये हमारा नल ऑब्जेक्ट सिंपली को सिलेक्ट करो मैं आपको दिखाने के लिए क्यूब को यूज कर रहा हूँ तो शिफ्ट होल्ड एंड क्लिक तो क्यूब जो है यहाँ पे आ गया है अभी अगर आप इसको प्ले करोगे आप देखो क्यूब जो है इसके साथ कितना सही तरीके से अटैच हो चुका है cube, आप नॉट ओनली क्यूब आप यहाँ पे आप इसको छोटा करना है सिंपली सिलेक्ट एंड इट डाउन समथिंगली इसके साथ अलाइंट है फिगर नॉट ये हमेशा के वहीं पर रहेगा वैसे अगर आपको किसी और अटैचमेंट के साथ एंड भी चीज को आप चाहिए वहाँ पर रख दोन पे लेगा फाइल को जस्ट लाइक दिस और इसके बाद चलेंगे तो यहाँ पे आपको बेसिकली फाइल को जो इमोर्ट करना है ऑटोमेटिकली right तो इंप्लीमेंट है वो ऑटोमेटिकली इसको ले लेगा इसके बाद सिम्पली सॉफ्टवेयर से आपको करना है स्टैंडर्ड फाइनल जैसे आप करोगे आपके पास ये फाइनल आउटपुट जैसा देखेगा ऑल्सो आप यहाँ पे स्टैंडर्ड ड्राफ्ट भी कर सकते हो तो ये पीछे का जो टेस्टर है वो हट जाएगा आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये मॉडल दिखेगा एंड बस